हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 हो रहा है और अभी मैं आ चुका हूँ इधर घूमने। और दोस्तों आज का मौसम तो धुंध तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा है और हवा भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो हाथ ज़्यादा कनकना रहा है। तो अभी मैं आ गया हूँ, तो चलता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा रनिंग करते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर बिस्तरी में जाते हैं दौड़ते हुए। तो चलिए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं दोस्तों बिस्तरी में। दोस्तों रुक जाते हैं, ज़्यादा नहीं दौड़ेंगे, नहीं तो दौड़ लेंगे और कल अगर नहीं दौड़ा हुआ तो पैर ज़्यादा दर्द करने लगेगा, इसलिए इतना ही दौड़ते हैं। लगभग आधा किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा दौड़ा हूँ, 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा हूँ, इतना ही में थक गया। तो चलिए दोस्तों अभी थोड़ा सा यहाँ से ट्रांसफार्मर के पास आ गया, यहाँ बीसरे में आ गया, तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से घूम जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों इतना ही दूर दौड़ा तो दम फूलने लगा। थोड़ा सांस ले लिया दोस्तों, नाक से सांस निकलना चाहिए जब दौड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर पे, थोड़ा सा दौड़ेंगे और उसके बाद में फिर चल जाएंगे घर दौड़ते हुए यहाँ से। तो थक जाते हैं लेकिन धीरे धीरे रुक दौड़ेंगे, क्योंकि पहली बार दौड़ा हूँ। अभी यहाँ तक आ ही गए हैं तो अभी चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूरा भी रखा हुआ है गाछी में, इस वाले में, तो चलते हैं थोड़ा सा पूरा लेकर चलते हैं, क्योंकि पूरा ख़त्म हो गया था और भैंस के बिछावन के, भैंस और पारी है उसको बिछावन के लिए खाने के लिए थोड़ा रहेगा था, सही रहेगा, ले गया था तो ख़त्म हो गया। तो चलते हैं थोड़ा सा ले लेते हैं। और दोस्तों सूर्योदय हो गया है, लेकिन थोड़ा सा बादल है, इसके वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी लगभग 7:10 बाकी है और सूर्योदय जो है ना, सूर्य महाराज उग जाते हैं कितना बजे, 6:35 पर उग जाते हैं। तो सूर्योदय हो चुका है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं, पूरा खींचते हैं। तो आ गया पूरा के पास और थोड़ा सा इसमें से खींच लेते हैं। पहले तो गतैना बनाएंगे, इसी पूरे के पूरा का ही गतैना बनाएंगे, उसके बाद में खींच के अच्छे से बांध लेते हैं। पूरा खींच करके बांध लिया, देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं बांधा, फूकू कस के एक वजह नहीं है, थोड़ा कम ही है, देख सकते हैं। तो दोस्तों बांध लिया, आप चलते हैं। और दोस्तों सवेरे सवेरे थोड़ा घूम लेते हैं, दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं घूमते हैं, मन करता है तो थोड़ा सा दौड़ लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा आज एक्सरसाइज किया है हमने, आज थोड़ा सा दौड़ा हूँ, आज दोनों किया, तो मन करता है, यानी कि जब इधर आया मन किया एक्सरसाइज करने का या दौड़ने का, तो दौड़ लिया। ये नहीं है कि आप लोगों को दिखाने के लिए दौड़ रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। सुबह सुबह थोड़ा सा दौड़ने में, टहलने में, एक्सरसाइज करने में जो है ना, जब कर लेते हैं, दौड़ उड़ लेते हैं तो अच्छा लगता है हेल्थ के लिए और ख़ुद को भी अच्छा लगता है मुझे, इसलिए थोड़ा सा दौड़ लेता हूँ। तो चलिए दौड़ भी लिया, और दौड़ने के साथ साथ जो है ना, जब गाँव में है तो थोड़ा सा घर का भी देखना पड़ता है कि क्या चीज़ है, कौन चीज़ कहाँ है, कौन सा काम है, नहीं है, ये पूरा हमको ज़रूरी था लेकर जाने का, तो लेकर जा रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों घर पे। माल उल तो कल लाए थे सीतामढ़ी से, माल लाए थे, कल वाले वीडियो में देखे होंगे, तो वो तो सरिया लिया हूँ। अभी चलते हैं दोस्तों घर पे, फिलहाल पूरा उठा लिया दोस्तों, और अभी चलता हूँ दोस्तों घर पे। सूर्योदय भी हो चुका है, उग चुका है दोस्तों, देख सकते हैं कितना प्यारा सा लाली। दोस्तों अभी टाइम 9:15 हो गया है और अभी चलते हैं खाना खाते हैं, देख सकते हैं खाना भी आ गया है, सब्जी है, चावल है और इधर कृष्णा है। तो चलते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद में माल लोड करेंगे। माल लोड भी अभी नहीं लोड हुआ है, देख सकते हैं इधर हो रहा है वो कैरेट है। तो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद में चलेंगे, 9:15 हो रहा है अभी। आइए आप लोग भी खा लीजिए।
चावल सब्जी है आज। तो अभी 10 बज रहा है और पौने 10 बजे से निकला हूँ दोस्तों। तो अभी घर से गांव से भी निकल चुका है और दोस्तों बोनी तो अभी मतलब बिक्री नहीं हुआ है, लेकिन भारी वाला था 100 रुपया बाकी, तो वही मिला है। उसे घर पे भी नहीं गया हूँ, रास्ते में भी ला गया है ना, रास्ते नहीं दे दिया। चलिए दोस्तों अभी फिलहाल चलते हैं घूमते हैं। और दोस्तों आज जो है ना हवा बहुत तेज़ चल रहा है, हवा चल रहा है, धूप सुबह से बहुत तेज था, लेकिन अभी धीमा हो गया, बादल लग गया। अभी सुनते हैं दोस्तों, घूमते हैं अभी। दोस्तों अभी टाइम हो गया है लगभग 12:15 और सेल दो गाँव घूमने पर लगभग 250 का सेल हुआ है। सेल तो हुआ है, लेकिन दोस्तों वो गमछा गायब हो गया है, क्योंकि लगभग उसको 3-4 का गमछा एक ही बार में दिए और ले गया है, बोलता है कि मैं नहीं लिया हूँ, गायब कर दिया है। तो 50 रुपया यानी कि 33 रुपया का लॉस में चल रहा है, वो गमछा भुला गया इसकी वजह से। चलिए फिलहाल चलते हैं घूमते हैं। तो अभी लगभग 1:15 हो रहा है और दोस्तों इस समय तक अभी कितना 40 रुपया उधार ही लग गया, 30 रुपया गायब भी हो गया। और कार्ड छट के प्रॉफिट के बाद देखा जाए तो मात्र 24 रुपया का प्रॉफिट हुआ है अभी तक। लगभग 5 किलोमीटर फेरी कर चुका हूँ, 5-6 किलोमीटर है। और सेले के बाद करें तो 250 का सेलिंग हुआ है, 24 रुपया इनकम और 100 रुपया उधार मिला है बस। तो यही है दोस्तों इस समय का जो है ना फेरी का बहुत बुरा हाल है, सेल ही नहीं हो रहा है। और दूसरा बात है कि सब इधर जा रहे हैं उधर बोल रहा है कि पैसा नहीं, यही सुनने को खाली मिल रहा है। इस वजह से जो है ना बिक्री भी नहीं हो रहा है, और जब बिक्री नहीं हो रहा होता है तो दोस्तों बहुत कम रेट लगाता है, जो बिक रहा है उससे जो है ना बहुत कम रेट लगाता है। गर्जुगायल बोलता है ना, गर्जुगायल जैसे ऐसा दाम लगाता है कि आप दे भी नहीं सकेंगे। तो यही है, मिला जुला के कुल मिला के कहा जाए तो सेलिंग अपनी नहीं है, साफ़ नहीं है। और इस समय को सेलिंग को देख करके ऐसा लगता है कि फेरी करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फेरी में थोड़ा भी जान नहीं है, इस समय थोड़ा भी मन नहीं लगता है घूमने में। सेलिंग होता रहता है तो अच्छा रहता है, सेलिंग कम बेस भी हो ग्राहक लगता रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन सेलिंग भी नहीं हो रहा है, ग्राहक भी नहीं लग रहा है, लग भी रहा है तो ऐसा रेट लगा रहा है कि जितना खरीदारी है उससे भी कम लगाता है। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं, फिलहाल घूमते हैं। अभी पौने लगभग 4 बजने वाला है और लगभग 1 घंटा से जो है ना 3 बजे से बादल लगा हुआ है, ठंडा मौसम है दोस्तों। और देखो तो वो जो है ना बारिश भी हो रहा है, नहीं बुझाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं बुझाता है। तो चलिए अभी चलते हैं दोस्तों, 2-3 गाँव और घूमते हैं, क्योंकि अभी 1 घंटा समय है। और सेलिंग की बात करें तो सेलिंग ठीक ठाक हुआ है उस समय के बाद, तो अभी लगभग हमारे पास 1200 का सेल हो गया है अभी तक, 4 बजने वाला है। ये देखते हैं 1 घंटा समय है तो इस समय से कितना का सेल होता है। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं बाद में। फिर नाश्ता कर रहे हैं होटल में है, क्योंकि दोस्तों अभी 4:30 हो रहा है और फेरी तो होगा ही, उससे पहले थोड़ा नाश्ता करते हैं उसके बाद निकलेंगे। अभी मैं नाश्ता करके और ये गाँव घुमा हूँ, उसके बाद जा रहा हूँ घर। दोस्तों अभी 5 बजने वाले हैं, 5 बजने में मात्र 10 मिनट बाकी है। और दोस्तों बारिश जो है ना 3 बजे से पूरी पड़ने लगा है, थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, आप लोगों को नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन जब गाड़ी चलाते हैं तो बहुत तेज़ लगता है। गीला तो नहीं हो रहा है कपड़ा, लेकिन पूरी पड़ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी फिलहाल चलते हैं, सीधे अब घर पर चलेंगे अब, क्योंकि दोस्तों 5 बजने वाला है, आधा घंटा समय तो है लेकिन नहीं घूमेंगे, बारिश हो रहा है इसके वजह से घूमने में नहीं अच्छा लग रहा है। और तो टोटल सेल की बात करें तो दोस्तों सारे हमारे पास रुपया 1450 का सेल है, जो कि दोस्तों उस समय के बाद से है, मैं नाश्ता किया हूँ और उस नाश्ता करने से पहले ही लगभग 100-150 का बिका है, 1450 का सेल हुआ है अभी तक ले। तो अब चलेंगे सीधे घर दोस्तों, क्योंकि अब सेलिंग होने का संभावना अब नहीं है, रास्ते में बिकेगा से बिकेगा, क्योंकि अब फर्स्ट हमारा ही गांव है और पहुँचने तक लास्ट हमारा ही, फर्स्ट नहीं लास्ट हमारा ही
तो चलिए अभी चलते हैं और मिलते हैं घर पे। दोस्तों अभी रात हो चुका है, अभी खाना खा रहे हैं, रोटी आलू सब्जी, तो चलिए खाना खाते हैं। भोरी की रोटी और बोल बोल लेके ठंडा तो पागल से ठंडा ना होते और फट लगी पक लगी भोरी सवेरे ही जैसे ठंडा हो गए सवेरे ही पकाए दोस्तों, इसलिए थोड़ा ठंडा हो गया। दोस्तों खाना वाना खा लिया और दोस्तों आज जो है ना वही 1450 का सेल हुआ है, बहुत कम बिक्री होता है दोस्तों, घूमना बहुत ज़्यादा पड़ता है, जब सेल नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, इसके वजह से तेल भी बहुत ज़्यादा जाता है और सेलिंग भी कम होता है, बहुत कम 9 के बराबर सेलिंग होता है, साफ नहीं मन करता है घूमने का जब नहीं सेल होता रहता है, फिर भी घूमते हैं तो जब सेल नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, लगभग 15 गाँव घूमा, 150 से ज़्यादा का पेट्रोल जल गया होगा। और इनकम हुआ है कितना, मात्र 250 तक हुआ होगा, 250 तक, 100 रुपया उधारी मिला है वही। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।